रुझान आ रहे हैं अभी तक की वोटिंग काउंट, क्या लग रहा है? मुझे खुशी है कि आप सबने जो बताया बेहतर रुझान के बारे में, और ये रुझान जानने ही में बाहर आया था, और मुझे खुशी है कि हम लोगों की उम्मीद के अनुरूप, हमारे नेताओं की मेहनत के अनुरूप, हमारे मुद्दों को जनता ने समर्थन दिया है। और ये जो एग्जिट पोल है, जो मनगढ़ंत पोल थे, वो मनगढ़ंत नहीं, वो लोगों के जो मस्तिष्क का असली पोल है, वो सामने बाहर आ रहा है। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं बाहर आ रही हैं, जो ग्राफ चल रहा था कल या परसों, आज सब साबित हो गया? नहीं, कल परसों तो कुछ और लोग चला रहे थे। अब उन लोगों से सवाल आप लोग करिएगा, हम तो अभी काउंटिंग कराएंगे। वाराणसी से भी प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। देखिए, बनारस के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि संघर्ष में है बनारस की सीट, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हर बात सही निकली, चाहे उन्होंने वैक्सीन पे बात कही हो, उस समय भी लोग नहीं मान रहे थे, बनारस पर बयान दिया उस समय भी लोग नहीं मान रहे थे, सारी बातें आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सामने आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि जनता का वही आशीर्वाद मिल रहा है जिस उम्मीद, जिस आशीर्वाद की हम समाजवादियों को, इंडिया अलायंस को उम्मीद थी। मैं बस उनको अभी कुछ क्या, मैं लोगों के प्रति कृतज्ञता के अलावा मैं और क्या कहूँगा, क्योंकि सारे लोग जो सिस्टम में बैठे लोग खिलाफ थे, कोई हम लोगों का साथ दे रहा था तो देश की जनता साथ दे रही थी, सिस्टम तो पूरा ही खिलाफ दे रहा था। यूपी में कितनी सीटें मन रहा है? अभी तो आप ही ने रुझान बताया है कि 42 से ज्यादा चल रहे, मुझे उम्मीद है परिणाम आते आते 60 पार करेंगे।